हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुमसार टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो DTH के चैनल्स हैं वो बंद हो चुके हैं तो उनको कैसे फिर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 1 मार्च 2019 के बाद में DTH पर जो सारे चैनल्स हैं वो एक बार बंद हो चुके हैं तो उनको आपको एक बार फिर से देखने के लिए एक बार उनको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम सारे चैनल को एक बार फिर से आप सेट कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे उसके बारे में कि क्या हम पेड चैनल जो आ रहे हैं उनको भी फिर से फ्री DTH पर देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। क्या जो YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो चल रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो ट्रिक अप्लाई करने से फिर से हमारे वो चैनल एक बार फिर से रीओपन हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुमसार टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं अपनी टीवी की स्क्रीन पर और इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी टीवी की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सिस्टम सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए सिस्टम सेटअप पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ में कि सब जो आपको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर पेड चैनल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर जो है अपग्रेड मोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर P2P जो है यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ पर करेंगे P2M और उसके बाद में यहाँ नीचे जो अपग्रेड टाइप है यहाँ पर ऑल रखेंगे और इसके बाद में स्टार्ट वाले बटन पर जो है हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है एक प्रोसेस का ओके आपसे पूछा जाएगा, ऑल शेव मशीन आर रेडी, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में 100% हो जाने के बाद में ये ऑटो जो बर्निंग हो चुका है और वेट रिबूट के लिए आपको वेट करने को कहेगा। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे तो इस स्क्रीन से आपको थोड़ा सा बैक चलना है। दोस्तों जैसे ही आप बैक आएंगे तो बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है एडिट प्रोग्राम में और यहाँ पर आपको जो डिलीट ऑल प्रोग्राम का बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है और ये सारे प्रोग्राम को आपको डिलीट कर देना है। चलिए हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद में आपके पास कोई भी टीवी चैनल्स यहाँ पर नहीं रहेगा और यहाँ से आपको थोड़ा सा फिर से बैक आना है। चलिए तो यहाँ से हम टीवी पर आपने जो है बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद प्रोग्राम सेटअप में चलेंगे और प्रोग्राम सेटअप में यहाँ पर आपको आना है सबसे पहले ऑटो स्कैन पर। ऑटो स्कैन पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है LNB फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसको आपको थोड़ा सा हटा देना है और यहाँ पर नई फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी है। तो यहाँ पर चलिए हम फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ नई सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं 9750। दोस्तों 9750 ये दोनों साइड में जो है आपको फ्रीक्वेंसी बराबर रखनी है, क्योंकि ये बराबर रहेगी तभी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेट कर लीजिएगा LNB फ्रीक्वेंसी 9750। उसके बाद में स्कैन मोड फ्री में रखिएगा और 22 जो KV है उसको आपको ऑफ रख देना है और डिस्क इक्वेंशन है आपको इसको चेंज कर लेना है। यहाँ पर LNB 3 इसमें सेट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको प्रोसेस की प्रक्रिया को ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो प्रोग्रेस यहाँ पर शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो नीचे TV चैनल लिस्ट है और रेडियो की चैनल लिस्ट है वो भी आपके सामने आ जाए। ये जो प्रोग्रेस है थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद में यहाँ पर जो है आपके एक बार ये 100% हो जाएगा, उसके बाद में सारे चैनल्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों ऐसे में यहाँ पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज दिखाए जा रहे हैं कि ऐसी जो मैंने अभी आपको प्रोग्रेस बताई है ऐसी प्रोग्रेस करनी है, तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्रेस को पूरा ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से चैनल्स इसमें आ रहे हैं। हाँ, इसमें जो चैनल जो बंद हो चुके हैं, जो फ्री टू एयर चैनल है वो बंद हो चुके हैं, वो चैनल जो आपके बिल्कुल वापस आ जाएंगे, लेकिन जो पेड चैनल है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। दोस्तों यहाँ जैसे जी मान लेते हैं जी स्टार उत्सव है, जी अनमोल है या फिर आज तक है, ये जो चैनल्स हैं ये दोस्तों ये नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के लिए वीडियो को देखते हैं तो ये वो जो है आपको फेक बताते हैं और आपका जो टाइम वेस्ट करते हैं ऐसी कोई भी, क्योंकि ट्राई को यार छोटा सा सिस्टम नहीं है जो आपके जो फ्री जो चैनल्स हैं आप उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है आज तक तेज वाला चैनल आपको दिखा रहा है, या फिर इंडिया TV चैनल, जो फ्री चैनल है वही दिखाएंगे आपको, जो पेड चैनल है वो नहीं दिखाएंगे। चलिए एक बार ये प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद हम दिखाएंगे। यहाँ पर जो है पूरा आ चुका है, 89 हो चुका है। तो जैसे ये पूरा होता है तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि TV पर कुछ भी आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। चलिए तो यहाँ पर एक बार बंद हो चुका है, यहाँ पर हम देखते हैं बेघा के चैनल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कौन कौन से चैनल यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है चैनल्स जो हैं फ्री टू एयर वाले चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो पेड चैनल है वो आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो बाकी ऐसे वीडियो बनाते हैं वो फेक हैं, उस पर भरोसा ना करें और अपना समय व्यस्त ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।